हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर ट्रिकी म्यूजिक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राग बिलावल में सरगम गीत कैसे बजाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके और हमारे लेसन्स को कम्प्लीटली फॉलो कर सके। तो ये हमारे लेसन्स का ही एक पार्ट है जो कि सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे हारमोनियम बजाते हो या कीबोर्ड बजाते हो, दोनों के लिए ये लेसन्स बेहद ज़रूरी है। तो जिससे आपको पता चलेगा कि सरगम गीत कैसे बजाया जाता है और सरगम गीत की विशेषता क्या होती है। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से आप बजाना सीख सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ कि सरगम गीत कैसे बजाया जाता है राग बिलावल में। तो एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और सीखेंगे सरगम गीत कैसे बजाते हैं। तो चलिए इस सरगम गीत को मैं आपको एकदम स्लो स्लो सिखा देता हूँ और आप इसे अपने कीबोर्ड या हारमोनियम पर अच्छे से बजाना सीख जाएंगे। क्यों दोस्तों, सरगम गीत की पहली लाइन है, आप यहाँ पे पहली काली से बजाएंगे जो हमारा सा होता है और यहाँ पे गा। एक बार मैं आपको सारे गामा बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स यूज होंगे इसमें। सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, और यहाँ पे हम यहाँ पे नी तक जाएंगे और यहाँ पे सा तक जाएंगे। चलिए सीखते हैं। पहली लाइन है सा गा सा गा सा गा मगर सा। अब इसको एकदम आराम से देखेंगे, सा गा सा गा सा गा मगर सा। तीन बार सागा सागा, फिर उसके बाद मगरेसा। ये आपकी पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन क्या है, नी रे नी रे नी रे गरे सा नी, यानी कि तीन बार नी रे नी रे फिर गरे सा नी। तो ये आपकी अगली लाइन हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन है सागा सा गा सा रे गा मा पा। अगली लाइन कैसे सीखेंगे, सा गा सा रे गा मा पा, दो बार सा गा फिर सा रे गा मा पा। ये हो गई आपकी लाइन कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, मा गा रे सा नी सा सा सा, फिर स्लो स्लो मा गा रे सा गारे सानी सा सा सा। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे, सा सा रे सानी सा रे रे। तो इस वाली लाइन को फिर से देखेंगे, सा सा रे सानी सा रे रे, स्लो मोशन में सा सा रे सा नी सा रे रे। ये लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। फिर अगली लाइन है गा रे सा रे मा गा रे सा रे मा गा। अब इसको कैसे बजाएंगे,
गा रे सा रे मा गा। आप ये लाइन कंप्लीट हो गई, फिर नेक्स्ट लाइन देखेंगे। मकर सनी रे सा। तो देखेंगे मा गा रे सनी रे सा, मा गा रे सनी रे सा। स्लो स्लो देखेंगे मा गा रे सा नी रे सा। फिर से देखेंगे मा गा रे सा नी रे सा। तो ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट। अब इसको मैं आपको पूरा बजा देता हूँ सुना के। सा गा सा गा सा गा मा गा रे सा नी रे नी रे नी रे गा रे सा नी सा गा सा गा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी सा 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 रे सा नी सा रे रे गा रे सा रे मा गा रे सा नी रे सा। तो अभी हम यहाँ तक सीख चुके हैं, अब अगली लाइन देखेंगे। तो चलिए मैं प्लक टोन लगा लेता हूँ, आप किसी भी टोन पे बजा सकते हैं वैसे तो। तो चलिए प्लक में सुना देता हूँ आपको। अगली लाइन है गा गा मा गा रे गा मा मा। फिर से देखेंगे गा गा मा गा रे गा मा मा मा। तो ये हमारा हो गया गा गा मा गा रे गा मा मा मा। फिर अगली लाइन देखेंगे गा गा मा गा रे सा रे रे रे। कैसे बजाएंगे गा गा मा गा रे सा रे रे रे। तो ये हो गई हमारी लाइन कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन देखेंगे पा पा धा पा मा गा मा मा पा मा गा रे गा गा। तो इस लाइन को देखेंगे स्लो स्लो पा पा धा पा मा गा मा मा पा मा गा रे गा गा। ये हो गई माय लाइन कंप्लीट। अब एकदम स्लो देखेंगे पा पा धा पा मा गा मा मा पा मा गा रे गा गा। तो ये हो गई हमारी लाइन कंप्लीट। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे मा मा गा रे सा नी रे सा। जो भी हमने ऊपर सीखी थी मा गा रे सा नी रे सा 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 मा गा रे सा नी रे सा। अब ये हमारा तक अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक बार मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक सुना देता हूँ, फिर आगे सीखते हैं। दो चार लाइन और है आगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ बजाने की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में गाएंगे भी, जिससे आपको याद भी हो जाए और आप बजाने का तरीका भी आपको पता चल जाए। तो देखेंगे स्टार्टिंग से सा गा सा गा सा गा मा गा रे सा नी रे नी रे नी रे गा रे सा नी सा गा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी सा 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 रे सा नी सा रे रे गा रे सा रे मा गा रे सा नी रे सा गा गा मा गा रे गा मा मा गा गा मा गा रे सा रे रे पा पा धा पा मा गा मा मा पा मा गा मा गा रे सा नी रे सा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की चार लाइन देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा सा से सा नी धा पा मा मा गा मा मा पा धा नी सा नी धा पा। अब इसको स्लो में देखेंगे सा नी धा पा मा मा गा मा मा पा धा नी सा नी धा पा। अब इसको और पार्ट्स में सीखेंगे सा नी धा पा मा
प, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये हो गया सा नी था पा मा मा गा मा मा पा धा नी सा नी था पा। फास्ट बजाएंगे तो कैसे होगा सा नी था पा मा मा गा मा मा पा धा नी सा नी था पा। तो ये लाइन हो गई आपकी कंप्लीट। और नेक्स्ट लाइन है मा 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 गा मा गा मा रे मा मा गा मा गा मा रे, इसको देखेंगे मा मा गा मा गा मा रे, तो मा मा गा मा गा मा रे। तो यहाँ से हम एक बार यहाँ से फिर देखेंगे, पूरा यहाँ तक देखेंगे सा नी धा पा मा मा गा मा मा पा धा नी सा नी धा पा मा मा गा मा गा मा रे। तो ये दोनों लाइन एक साथ बजाएंगे। फिर अगली लाइन देखेंगे मा गा रे सा गा रे सा नी सा सा सा, कैसे मा गा रे सा मा गा रे सा गा रे सा नी गा रे सा नी सा सा सा। फिर अगली लाइन भी सेम टू सेम है मा गा रे सा गा रे सा नी सा सा सा, स्लो मोशन में मा गा रे सा नी सा सा सा। और अगली लाइन भी सेम है, फिर से देखेंगे मा गा रे सा नी सा सा सा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा राग बिलावल का सरगम गीत कंप्लीट। और उसके बाद आप इस वीडियो को रिवर्स कर करके एकदम अच्छे से जहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे अच्छे से रुक के देखें, और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड हारमोनियम या पियानो पर बजाने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। फिर मेरे साथ बजाने की कोशिश करेंगे आप लोग, जो भी सीखे हैं वो सारी चीज़ें आप एक बार बजाएंगे अपने कीबोर्ड पर या हारमोनियम पर मेरे साथ बजाएंगे। सा गा सा गा सा गा मा गा रे सा नी रे नी रे मा रे सा नी सा गा सा रे गा मा पा। फिर मा गा रे सा नी सा 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 रे सा नी सा रे रे गा रे सा रे मा गा रे सा नी रे सा। फिर गा गा मा गा रे गा मा 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 गा गा मा गा रे सा रे 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 पा पा धा पा मा गा मा मा पा मा गा रे गा गा मा गा रे सा नी रे सा। फिर अगली लाइन सा नी धा पा मा मा गा मा मा पा धा नी सा नी धा पा मा मा गा मा गा मा रे। इस लाइन को फिर से देखेंगे सा नी धा पा मा मा गा मा मा पा धा नी सा नी धा पा मा मा गा मा गा मा रे। फिर अगली लाइन मा गा रे सा गा रे सा नी सा 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 मा गा रे सा गा रे सा नी सा 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 मा गा रे सा गा रे सा नी सा सा सा। तो दोस्तों जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी है उम्मीद करता हूँ उनको ये सरगम गीत अच्छे से गाना और बजाना आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं कीबोर्ड या हारमोनियम एकदम अच्छे तरीके से, तो आप हमारे दिए गए लेसन्स को फॉलो करें और एक एक वीडियोस को आप अच्छे से देखें, जिसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी और आप पढ़ते रहेंगे एक एक स्टेप आगे। तो चलिए दोस्तों राग बिलावल से आधारित कुछ गाने मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको प्रैक्टिस करना है अपने कीबोर्ड पर, जिससे आपको इस राग के बारे में और भी नॉलेज हो जाए और भी पकड़ आपकी अच्छी हो जाए कि इस राग से रिलेटेड जो भी गाने हैं वो किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से वो गाने हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा, आपको उस गाने को प्रैक्टिस करनी है अपने कीबोर्ड या हारमोनियम पर, आपका ये राग बिलावल जो, तो जिससे ये बिलावल राग आपका पूरा टोटली कम्प्लीट हो जाए। और फिर हम सीखेंगे नेक्स्ट राग अगली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम राग बिलावल को पूरा कम्प्लीट कवर करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से गाने राग बिलावल से आधारित हैं। तो कौन कौन से राग बिलावल आधारित गाने हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जिसमें पहला गाना है, तो उसमें कुछ गाने और कुछ भजन भी हैं, तो दोनों मिक्स मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला है वो आरती है ओम जय जगदीश सरे, जिसको आप सभी ने सुनी हुई है। तो मैं आपको सारे ऐसे ही गाने बताऊंगा जो आप सभी ने सुना हुआ है, जिससे आपको पकड़ने में आसानी हो, जिससे इस सॉन्ग को बजाने में आपको दिक्कत या परेशानी ना आए। तो चलिए पहला गाना है
आपने नोटिस किया होगा इसमें भी जो भी हमारे स्वर यूज हुए हैं वो राग दरबारी के ही स्वर हैं, सारे शुद्ध स्वर यूज हो रहे हैं। सारे गा म प ध नि सा स नि ध प म ग रे सा। और यहाँ पर हम पीछे धा तक जाएंगे तो जो भी स्वर यूज हो रहे हैं वो राग दरबारी के स्वर हैं। यहाँ भी पा है, यहाँ भी धा है, तो यहाँ भी पा और धा स्वर शुद्ध ही बज रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला गाना। और दूसरा है, आप सभी ने सुना होगा, जनगण मन अधिनायक जय है। तो दोस्तों ये था हमारा राष्ट्रगान, दूसरा हो गया आपका गाना। तो अगला गाना है हमारा एक प्यार का नगमा है। तो आप इस गाने को भी बजाएंगे, बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही पॉपुलर गाना है, बहुत ही ओल्ड सॉन्ग है। तो अगला गाना देखते हैं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। दोस्तों अगला सॉन्ग देखेंगे, है अपना दिल तो आवारा। दोस्तों ये कुछ गाने थे जो कि राग बिलावल से आधारित गाने थे। तो आप इन गानों की प्रैक्टिस करें, इन गानों के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इनके नोट्स डालूंगा। यदि आपको इसको फिर भी बजाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको इनके सारे गाने आपको बजा के दिखाऊँगा। फिर हमारा इनके सारे ये सारे गाने मैं आपको बजा के दिखाऊंगा, जिससे आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। और दोस्तों जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके और आप सीख सकें कीबोर्ड और हारमोनियम और बेहतर तरीके से, जिससे आपका एक भी लेसन्स, एक भी पार्ट मिस ना हो और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों चलिए मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।